और आपको बता दें कि ईरान में फंसे 277 भारतीय दो विमानों से राजस्थान के जोधपुर पहुंच गए हैं। दो विशेष विमानों के जरिए इन भारतीयों को जोधपुर लाया गया है। एक विमान की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एयरपोर्ट से यात्रियों को रवाना किया गया है। दूसरे विमान से आए लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इन सभी 277 यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, आइसोलेशन में इन्हें रखा जाएगा। तो आइसोलेशन की भी तैयारी हो गई है। जोधपुर ये पहुंच चुके हैं तमाम 270 भारतीय जिन्हें ईरान से लाया गया है। आपको हम बता दें कि ईरान चीन के बाद सबसे प्रभावित देश है। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, 277 भारतीयों को ले आया गया है, क्या सभी की स्क्रीनिंग हो गई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी एक लॉट की स्क्रीनिंग हुई है और फिर कहां इन्हें रखा जाएगा, कैसी तैयारी? देखिए, जोधपुर सुबह पहुंचे हैं और स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। स्क्रीनिंग का काम चूंकि कोरोना वायरस का मामला है इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा है। ITBP और आर्मी, इन सब जितने भी इनके सोर्सेज थे उन सबको इन्होंने क्वारंटाइन में तब्दील कर रखा है वहां पर, और करीब करीब 3 से 4 हजार लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था आर्मी, ITBP और एयरफोर्स सबने कर रखा है वहां पर। अभी इनको लोग रखा जाएगा 14 दिनों के लिए, और 14 दिन के अंदर कोरोना वायरस का अगर कोई सिम्टम आता है नहीं आता है इसकी देख रेख की जाएगी, क्योंकि ये सब ईरान से आए हैं और धार्मिक यात्रा पर गए थे और इसीलिए गवर्नमेंट इनको लेकर आई है। नजर बनाए रखें शरद आपसे और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।